उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो जाने के बाद मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा अब सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं विकास कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ कराने के लिए काम किया जा रहा है। जनपद स्तर पर कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्यों की गुणवत्ता परखी जा रही है और समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन शुक्रवार को छजलैट ब्लॉक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लॉक कार्यालय के साथ साथ गांव कुचावली में कराए गए विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन पूर्वाहन में विकास खंड कार्यालय पहुंचे और खंड विकास कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय खंड विकास अधिकारी गण, एडीओ पंचायत, एडीओ सहकारिता उपस्थित रहे। सर्वप्रथम विकास खंड परिसर का निरीक्षण करने पर छजलैट विकास खंड के गेट पर लगा शीतल प्याऊ चालू नहीं पाया गया, जबकि माह जनवरी 2021 में किए गए निरीक्षण में भी एडीओ पंचायत को निर्देश दिए गए थे। शीतल जल का प्याऊ सुचारू रूप से न चलने पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नाराजगी को जाहिर किया गया और तत्काल शीतल जल प्याऊ को शुरू करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त विकास खंड प्रांगण में स्थित जर्जर आवासों का पीडब्ल्यूडी विभाग से मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए गए। कार्यालय में अभिलेखों का निरीक्षण करने पर पाया कि 44 ऑडिट प्रस्तरों का निराकरण नहीं किया गया है। मौके पर लेखाकार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। साथ ही पंचायत संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने पर एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। उक्त के अतिरिक्त गांव पंचायत कुचावली में मनरेगा के अंतर्गत बन रहे पार्क का एरिया ऐप से स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा मौके पर ही सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया।